खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली में प्रदूषण का आपातकाल जारी। सरकार ने दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी लागू की है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। AQI का लेवल 700 के पार पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। प्रदूषण के मामले में हरियाणा ने दिल्ली को पीछे छोड़ा। हिसार के बाद फतेहाबाद में प्रदूषण का स्तर 900 के पास पहुंचा। यूपी सरकार ने भी प्रदूषण से निपटने के लिए तैयारियां शुरू की। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा में भारी प्रदूषण। ग्रेटर नोएडा में ईंट के भट्टे बंद कराए गए तो लखनऊ में पानी का छिड़काव किया गया। प्रदूषण बढ़ने से पहले सोती रही दिल्ली से लेकर हरियाणा पंजाब की सरकारें। अब दम घुटने पर जिम्मेदारी पर टोपी ट्रांसफर की राजनीति शुरू। हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों की दबंगई। पराली जलाने से रोकने पर किसानों ने अधिकारियों को बंधक बनाया। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में गाड़ी की टक्कर के बाद पुलिस और वकीलों के बीच भयानक बवाल। एक वकील को गोली लगी। वकीलों ने पुलिस की गाड़ी चलाई। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लश्करे तैयबा के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी का नाम है दानिश चना। आतंकी के पास से हथियार भी बरामद हुए। बरेली में हनुमान के भेष में भीख मांग रहे मुस्लिम युवक ने सनसनी मचाई। आतंकी साजिश के शक में पुलिस ने जेल में डाला। दिल्ली के नरेला में 6 साल के बच्चे के साथ बेरहमी। कल से लापता था, आज लाश मिली। पुणे में रेलवे स्टेशन की पार्किंग से मिला हैंड ग्रेनेड। 4.5 घंटे की मशक्कत के बाद डिफ्यूज किया गया। तेलंगाना के खम में पुलिस ने 6 करोड़ के नकली नोटों को बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर लावारिस बैग में RDX नहीं था, चॉकलेट, खिलौने और कपड़े निकले। DCP ने कहा जिसका बैग था, पूछताछ के बाद उसे वापस किया गया। लावारिस बैग के मालिक शाहिद खान मुंबई में नौकरी करते हैं। ABP न्यूज से खास बातचीत में बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर भूल गए थे अपना बैग। हिंदू महासभा के पूर्व नेता कमलेश तिवारी के हत्यारों को पिस्टल देने वाला यूसुफ खान गिरफ्तार। UP और गुजरात ATS ने कानपुर से पकड़ा। यूपी के औरैया में एक बस और ट्रक की टक्कर। बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल। राम रहीम की मुंहबोली और पंचकुला हिंसा के आरोपी हनीप्रीत को बड़ी राहत। पुलिस के कमजोर केस के कारण कोर्ट ने हटाई राजद्रोह की धारा। जम्मू कश्मीर में बार एसोसिएशन से जुड़े 4,000 वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। दस्तावेजों की रजिस्ट्री का काम राजस्व विभाग को देने और हाईकोर्ट परिसर को नई जगह ले जाने का विरोध कर रहे हैं वकील। आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज शाम को ढलते सूरज को अर्घ दिया गया। बिहार और यूपी के पूर्वी समेत देश के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया गया छठ का त्योहार। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण के कहर के बाद भी भारत और बांग्लादेश के बीच कल होगा T20 मैच। मजबूरी में मास्क लगाकर प्रैक्टिस करने के लिए पहुंचे बांग्लादेशी क्रिकेटर। 54 साल के हुए शाहरुख खान, जन्मदिन मनाने के लिए बंगले के बाहर उमड़ी फैंस की भीड़। 3 महीने के बैन के बाद अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी की नेशनल टीम में हुई वापसी। कोपा अमेरिका को भ्रष्ट कहने पर लगा था बैन। लश्कर और जैश के आतंकियों की फंडिंग पर रोक लगाने में नाकाम पाकिस्तान। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। अमेरिका के कैलिफोर्निया के वेंचुरा काउंटी में 7,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। 1,800 इमारतों में आग का खतरा। इजरायली सेना का दावा, गाजा पट्टी से 7 रॉकेट दागे गए। इजरायल ने डोम मिसाइल सिस्टम से सभी रॉकेटों को इंटरसेप्ट किया। गूगल ने फिटबिट को 15,000 करोड़ रुपए में खरीदा। फिटबिट कंपनी शरीर पर पहनने वाले फिटनेस गैजेट्स बनाती है। PM मोदी आज 3 दिन के दौरे पर थाईलैंड पहुंच गए हैं। वहां वो आसियान बैठक में हिस्सा लेंगे और मुक्त व्यापार समझौते RCEP बैठक में भी हिस्सा लेंगे। भारत में PM मोदी के दौरे को लेकर मचा बवाल। विपक्ष के साथ साथ स्वदेशी जागरण मंच ने PM दौरे के विरोध में प्रदर्शन किया। PM मोदी ने बैंकॉक पहुंचने के बाद RCEP के मुद्दे पर एक स्थानीय अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि संतुलित और सबके लिए फायदेमंद RCEP ही कारगर। PM मोदी ने बैंकॉक में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। PM मोदी ने भारतीय छठ की बधाई दी और मुलाकात को लेकर आभार प्रकट किया। स्टेडियम में मोदी मोदी के नारे गूंजे।
महाराष्ट्र में सरकार को लेकर शिवसेना का बीजेपी पर हमलावर रुख बरकरार। राष्ट्रपति शासन की धमकी को शिवसेना ने सामने में मुगलिया लिखा। बीजेपी से पूछा, राष्ट्रपति तुम्हारी जेब में है क्या? शिवसेना की उम्मीदों को शरद पवार ने दिया जोरदार झटका। कहा, विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है तो विपक्ष में ही बैठेंगे। बड़ा सवाल, बिना एनसीपी के शिवसेना कैसे बनाएगी सरकार? कांग्रेस का दिल शिवसेना के लिए धड़का। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने सोनिया गांधी से कहा, समर्थन मांगे तो देना चाहिए। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सरकार बनाने को लेकर हमारी किसी दल से कोई बातचीत नहीं हुई, लोगों ने हमें विपक्ष में बैठने का बहुमत दिया है। आरपीआई नेता रामदास आठवले का बड़ा बयान, शिवसेना बीजेपी की खींचातानी के बीच बोले कि सूबे में सीएम तो बीजेपी का ही होना चाहिए। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच मुंबई में एनसीपी नेताओं की बैठक हुई। बैठक में प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे और जयंत पटेल समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। महाराष्ट्र के बीड में किसान विष्णुकांत गदले ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कहा, जब तक शिवसेना बीजेपी आपस में लड़कर फैसला नहीं कर लेती तब तक मुझे मुख्यमंत्री बना दो। प्रदूषण को लेकर राजनीति जारी है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पूछा कि सरकार बताए कि किसानों को कब तक मशीनें उपलब्ध कराएगी। प्रदूषण पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा, आइए मिलकर रास्ता निकालते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से फोन पर बात की। पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की बात कही। नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाने पर अड़े। इमरान के बुलावे पर करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन पर जाने की इजाजत केंद्र सरकार से मांगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन समिट के लिए 3 दिवसीय दौरे पर उज्बेकिस्तान पहुंचे। राजनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में शास्त्री स्ट्रीट पर श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह ने एससीओ बैठक के अलावा अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला से मुलाकात की। राजनाथ ने कहा, आतंकवाद को खत्म करने के लिए दोहरा चरित्र छोड़कर सबको एक साथ लड़ना होगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। 2017 में 2 नाबालिग बहनों के यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले में 3 आरोपियों को रिहा करने पर कानून मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। हरियाणा में कांग्रेस के विधायक दल के नेता चुने गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद व मधुसूदन मिस्त्री ने दी जानकारी। हुड्डा सदन में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। पाकिस्तान में इमरान खान पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा। आजादी मार्च के अगुवा मौलाना फजलुर रहमान ने इस्तीफे के लिए 48 घंटे की मोहलत दी।